मंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मर्यादा, अनुशासन और व्यवस्था तीन चीज हैं। ये तीन चीज हैं, इन सब की अपनी एक परिधि होती है, इन सब की अपनी एक परिधि होती है। वानप्रस्थ एक पुनीत परंपरा है, परंतु व्यक्ति वानप्रस्थ को धारण कर ले और अंदर से गृहस्थ में फंसा रहे, समय हो जाए वानप्रस्थ का, परंतु गृहस्थ ही पीछा ना छोड़े, तो मर्यादा का पालन नहीं हुआ। ईश्वर की उस व्यवस्था में आप नहीं बंधे। व्यक्ति को स्वयं पर अंकुश लगाना पड़ता है, किसी दूसरे के कहने से नहीं, अपने कहने से। अपनी वास्तविक अवस्था को देखना होता है मंथन के द्वारा, मंथन के द्वारा अंकुश लगा करके अपने आप को चरित्रवान बनाना पड़ता है। मत करके जो घी निकलता है वही चरित्र कहलाता है। मत करके जो घी निकलता है वही चरित्र कहलाता है। जिसको आत्मा स्वीकार करे वही चरित्र है। अपने पुरुषार्थ साधन को सत्कर्मों में नियोजित करना वो ही कर सकता है जो आत्मा के अनुबंध में जाकर के बंध जाए, जो आत्मा के अनुबंध में नहीं बंधा, अपने साधन सुख सुविधाओं को किसी को दे पाना इतना आसान नहीं है। वो अपने कार्यों को सत्कार्यों में परिणत नहीं कर सकता। परंतु मोह माया में लटका रह जाएगा। अंततः जो अंदर से उद्भूत, जो अंदर से उद्भूत सुसंस्कारिता व्यवहार में, अनुशासन में, नीति में, निष्ठा में, परमार्थ में, पराक्रम में और परमार्थ प्रायणता में जाकर के लगती है, वो सार्थक होती है और दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। मैंने कहा था परिवर्तन आ गया है, जिस तरह से बोए हुए बीज एक साथ फूट करके नहीं निकलते हैं, कोई कहीं दिखाई देता है, कोई कहीं दिखाई देता है, पर देखते हैं दो चार दिन के अंदर ही सारा खेत अंकुरों से भर जाता है। ये उत्थान की, चरित्र के उत्थान की प्रक्रिया है। अब वो समय आ चुका है। दोबारा से कह रहा हूं, मैंने अभी कहा था जिसको वानप्रस्थ में आ जाना चाहिए और वो चला जाए, परंतु परिवार का मोह ना छूटे, तो वो वानप्रस्थ में नहीं है। वानप्रस्थ में रहते हुए भी गृहस्थ में है।
इसी को नीति निष्ठा और व्यवस्था बोलते हैं। मर्यादा अनुशासन और व्यवस्था इसी का नाम है। जो चीज बंधी होती है, दोबारा से बोल रहा हूं, अगर आप साइकिल चलाते हैं और साइकिल का पहिया ढीला है तो साइकिल लचर पचर करेगी, इधर उधर हिलेगी, परंतु अगर आपने ठीक से उसको कस करके रखा हुआ है तो आपकी साइकिल सन्न से दौड़ेगी, सन्न से दौड़ेगी, उसमें कोई खटर पटर नहीं होगी। इसलिए मर्यादा अनुशासन में बंधना बहुत आवश्यक है और ये आत्मा के होते हैं, आत्मा के। दोबारा से बोल रहा हूं, जब आपकी अंतर चेतना जागृत होगी तो परिवर्तन के अंकुर दिखाई देने लग जाएंगे। सोचिए, आपके हाथ का बोया हुआ एक बीज अगर उग जाए तो आपको अंदर से कितनी तसल्ली होती है, कितनी तसल्ली होती है। और जब पूरा खेत ही भर जाता है अंकुरों से तो सपने देखने लग जाता है। जैसे ही अंकुर, अब मैंने कहा वो परिवर्तन धरती पर आ चुका है, भेदन शोधन परिवर्तन की प्रक्रिया अब चलेगी चलेगी। जो चले उसमें अपने आप को बांधना है, उसमें अपने आप को बांधना है। एक व्यक्ति डॉक्टर है, मैं मना कर रहा हूं वो डॉक्टर नहीं है, उसका पुरुषार्थ है। एक व्यक्ति इंजीनियर है, वो उसका पुरुषार्थ है। धन दौलत साधन नहीं, वो उसकी अंदर की गुणवत्ता है। इसी पर निर्भर करता है, जो अंदर की गुणवत्ता है सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। मर्यादा अनुशासन का पालन करना पड़ता है, अंदर से अंदर से। हां बेटा श्वेता, ये मंथन के द्वारा होता है, मंथन के द्वारा। निश्चित रीता आत्मभाव से होता है, इसीलिए मैंने तुमसे ये कहा है विचार से विचार को मिलाओ तो चिंतन बनेगा। और ये जो कह रहा हूं लिखो, इससे जागरण होगा। जितनी अभिव्यक्ति आपके अंदर, मैं फिर से कहता हूं, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अगर सही विचार उसके विचार में नहीं उतरता तो मुंह लटका करके बैठता है। अगर गुरु ने जो, मास्टर ने जो उसको वो भाव दिया, अगर उसकी विचार में उतर रहा है तो वो क्रियाशील होगा और उसके विचार भी उसी तरह के जगने लग जाएंगे। कुछ सवाल तो वो केवल अपनी जानकारी के लिए करता है, कुछ सवाल वो अपने बड़प्पन के लिए भी करता है। दोनों में कोई नुकसान नहीं है,
दोनों में कोई नुकसान नहीं है, बल्कि खुलने से अपना फायदा है। एक डर जो मन में समाया होता है वो अपने अंदर से निकल करके आता है, अपने टीचर के भाव प्रति अपना श्रद्धा भाव बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है और सबको अच्छा लगता है। हमारे अंदर हमारा वो भाव जग जाए तो परिवर्तन अपने आप होने लग जाएगा। परिवर्तन अपने आप होने लग जाएगा आवश्यकता है उस परिवर्तन को उतारने की। जो अंतरिक्ष से धरा पर उतरा है वो आत्मा से मनोभूमि पर उतर जाए। तो आपको दिखाई देने लग जाएगा। आपको दिखाई देने लग जाएगा। अगर एक बार आपकी पकड़ आ गया, एक बार आपको समझ आ गया, आपकी चेतना ने एक बार उसको पकड़ लिया, तो उसमें से जड़ें निकलने लग जाएंगी और विश्वास की जड़ें आपके अंतःकरण में उतर जाएंगी। फिर आपका विश्वास खोखला नहीं रह जाएगा। जी बेटा, आत्मिक शांति तो उसका पहला धर्म है, आपको मिलेगी। आत्मिक शांति देना ही उसका गुण है, वो आपको मिलेगा। और जब ये विकसित होता हुआ चला जाएगा, जी अवरोधों को दूर करने के उपाय आपकी साधना के द्वारा आपके अंदर जागृत होते हुए चले जाएंगे। निश्चित कर सकते हो सुदेश, अपने आप से ही आप सवाल करिए, यही मंथन है ये बेटी, यही मंथन है। मर्यादा इसी आत्मा का जो अनुशासन है वो ही मर्यादा है। जो अनुबंध अनुशासन और व्यवस्था की बात मैंने कही वो ही ये है। अगर इतनी क्षमता तुम्हारी जग गई कि तुमने अपने उस बुराई पर अंकुश लगा दिया, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसे तोड़ सकेगा। आपके अंदर साधना की शक्ति होनी चाहिए। आपके अंदर साधना की शक्ति होनी चाहिए। सब कुछ प्रकट होता हुआ चला जाएगा। करके देख ले। और मैंने कहा है, जब अपनी साधना को सहयोग मिलने लग जाता है तो ऐसा समझना, घर के डब्बे अगर साधनों से सामान से भरे हो तो घर की महिला को सबको खिलाना कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। वो अपनी स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर उसकी चेतना जकड़ी हुई है तो सब कुछ होते हुए भी वो उसी में जकड़ी रहेगी और सबको जकड़ करके रखेगी। अपनी चेतना को सक्रिय करना है तो उस चेतना को सक्रिय करने के लिए आपको अनुशासन को देखिए। प्रकृति मर्यादित है,
प्रकृति मर्यादा के बाहर नहीं जाती, वो तोड़ ही नहीं सकती अनुशासन को। आपकी भी प्रकृति उसी तरह की हो जाए कि आप आत्मा के अनुशासन को ना झुठला सकें। अगर ऐसा आप कर सके तो समझ लेना आपकी प्रकृति में महाप्रकृति काम करने लगी। आवश्यकता उसी बात की है कि आपकी प्रकृति के अंदर परमात्मा की प्रकृति क्रियाशील हो जाए। नहीं जान सकता बेटा तुम्हें तुमसे अच्छा, यही आत्मनिरीक्षण है, इसी को तत्वबोध आत्मबोध कहते हैं और इसी से वास्तव में अपना सुधार भी होता है। पता नहीं क्या अड़चन है, अभी कुछ देर पहले प्रोग्राम करने से पहले फोन चलाया था तो ध्यान चल रहा था, पता नहीं गुरुदेव क्या चाहते हैं, अब ध्यान लगा रहा हूं तो नहीं चल रहा। आप जरा सी देर कोई जाना मत, जरा सी देर में मैं इसको दोबारा से ट्राई करता हूं, अपने फोन से जोड़ता हूं। सरिता प्रकाश ज्ञान प्रज्ञा सविता अग्नि ऊर्जा ब्रह्मशक्ति सविता ब्रह्म सविता वर्चस्व ब्रह्मवर्चस्व सविता सविता उपास्य ब्रह्मवर्चस्व उपास्य एकत्व अद्वैत साधक का सविता को समर्पण समर्पण विसर्जन विलय साधक सविता एक भक्त भगवान एक एकत्व अद्वैत कुंडलिनी जागरण कुंडलिनी जीवनी शक्ति कुंडलिनी अंतः ऊर्जा कुंडलिनी प्राण विद्युत कुंडलिनी योगाग्नि
कुंडलनी ब्रह्म ज्योति सविता शक्ति का कुंडलनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलनी जागरण का प्रथम चरण मंथन, मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन समुद्र मंथन जीवन मंथन प्राण मंथन अग्नि मंथन 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 से अंत ऊर्जा का संवर्धन अग्निशिखा प्रज्वलन जीवन ज्योत जागरण द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग मूलाधार भूलोक सहस्रार ब्रह्मलोक मेरुदंड देवयान कुंडलिनी आत्मशक्ति जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन उत्थान उत्कर्ष अभ्युदय
ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन शोधन जागरण। सविता सहयोग से षटचक्रों का वेधन मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का वेधन प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन चक्रवेद शब्दवेद लक्ष्यवेद वेधन शोधन जागरण षटचक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण स्वाधिष्ठान चक्र जागरण मणिपुर चक्र जागरण अनाहत चक्र जागरण विशुद्ध चक्र जागरण आज्ञा चक्र जागरण षटचक्र जागरण कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार ब्रह्म सत्ता में विस्तार चिंगारी का दावानल में विस्तार ज्योतिका ज्वाला में विस्तार
मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिन्हगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलनी जागरण, पंचम चरण कुंडलनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्मज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलनी जागरण, बंधन, ईश्वर दर्शन, कुंडलनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण, सोमा ज्योतिर्गमया तमस
तनसो मा ज्योतिर्गमया असतो मा सद्गमया असतो मा सद्गमया असतो मा सद्गमया ओम मृत्योर्मा मृतंगमया मृत्योर्मा मृतंगमया मृत्योर्मा मृतंगमया तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमया 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय पंचोंकार पंच कुंडली जागरण के पांच चरण पंचोंकार मुखमंडल पर थोड़ा आज की बात संपन्न पूरा ध्यान देना और अपने आप को अनुशासन में बांधने का प्रयास करना।